फिल्म एक मनोरंजक दृश्य के साथ सामने आती है जिसमें एक महिला जो कठोर सामाजिक अपेक्षाओं का प्रतीक है एक खेत में एक गधे को बेरहमी से मार देती है। केंद्रीय पात्र डेविड नाम का एक वास्तुकार अपनी पत्नी द्वारा उसे दूसरे आदमी के लिए छोड़ देने के परिणाम से जूझता है जिसके बाद वह एक नए साथी की तलाश में होटल में जाता है। उसके साथ उसका बदला हुआ भाई भी है जो अब बॉब नाम का कुत्ता है जो रोमांटिक संबंध के बिना रहने का परिणाम है। होटल में जांच करने पर डेविड जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से गुजरता है जिसका समापन एक साक्षात्कार में होता है जहां वह अपनी परिभाषित विशेषता अदूरदर्शी होने का खुलासा करता है। कठोर डेटिंग नियमों के पालन में जोड़ों को एक सामान्य विशेषता साझा करने के लिए बाध्य किया जाता है जिससे डेविड की खोज उसकी दृष्टि हानि के दायरे में सीमित हो जाती है। वह अपनी पत्नी के साथ 11 साल के रिश्ते को दर्शाता है जो एक अन्य अदूरदर्शी व्यक्ति के साथ रहने के लिए चली गई थी। जैसे ही डेविड अपने कमरे में बैठ गया होटल प्रबंधक और उसके पति ने एक साथी की तलाश को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम बनाए। मैच सुरक्षित करने में असमर्थ लोगों पर जानवर में परिवर्तन का मंडराता भूत मंडरा रहा है जिससे दबाव बढ़ गया है। जवाब में डेविड लॉबस्टर में बदलने के लिए एक अनोखी प्राथमिकता व्यक्त करता है। घटनाओं के एक असामान्य मोड़ में होटल मैनेजर डेविड के लॉबस्टर बनने के फैसले की सराहना करता है जो अन्य लोगों के पारिस्थितिक प्रभाव को उजागर करता है जो कुत्तों में बदलने का विकल्प चुनते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और पशु खाद्य जंजीर बाधित होती है। हालांकि उसकी परिवर्तनकारी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले होटल की नौकरानी एक निवारक उपाय करती है प्रतिष्ठान की नो सेल्फ प्लेजर नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेविड के एक हाथ को रोकती है। कहानी तब सामने आती है जब डेविड दो साथी साधकों से दोस्ती करता है रॉबर्ट जो तुतलाकर बोलता है और जॉन जो लंगड़ाकर चलता है। साथ में वे समान विशिष्टताओं वाले साझेदारों की तलाश में भोजन क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। एक महिला को लगातार नाक से खून बहने की समस्या और दूसरी को हृदयहीन व्यवहार के साथ देखने पर उन्हें अपने विशिष्ट गुणों के साथ कोई तालमेल नहीं मिलता है। अगले दिन एक सभा के दौरान जहां एकल अपने अद्वितीय गुणों को साझा करते हैं जॉन अपने लंगड़ेपन की उत्पत्ति के बारे में बताता है जो उसे अपनी माँ से मिलने के दौरान प्राप्त हुआ था जो एक भेड़िये में बदल गई थी। जैसे जैसे वे कहानियों का आदान प्रदान करते हैं ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोमांटिक संबंध तलाशने का एक अनिवार्य कारण होता है जो अक्सर नुकसान या व्यक्तिगत परिवर्तन में निहित होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है एकल लोगों के लिए संभावित भागीदारों के साथ जुड़ने के अवसर पैदा होते हैं। एक डांस पार्टी में डेविड नाक से खून बहने वाली लड़की से जुड़ने का प्रयास करता है लेकिन उसे एक सामान्य विशेषता की कमी का एहसास होता है। इसके बाद उन्हें एक अपरंपरागत गतिविधि के लिए जंगल में बुलाया जाता है लोनर्स का शिकार करना। ये वे व्यक्ति हैं जो जानवरों में परिवर्तन का विरोध करते हुए होटल से भाग गए थे। पुलिस होटल के आदेश को लागू करते हुए उन्हें उसी भाग्य का सामना करने के लिए वापस भेज देती है। जंगल में एकल लोगों को अनिवार्य रूप से उनके परिवर्तन के लिए होटल में वापस लाने से पहले लोनर्स को शांत करने के लिए अधिकृत किया जाता है। होटल की अनोखी सिस्टम एकल लोगों की नियति को उद्दंड लोनार के शिकार में उनकी सफलता के साथ जटिल रूप से जोड़ती है जिसमें प्रत्येक पकड़े गए लोनार ने होटल में बंधक के रहने को बढ़ा दिया है। हालांकि डेविड के शुरुआती दिन में उसे एक झटका लगा वो किसी भी लोनर्स को पकड़ने में असफल रहा और उसके लिए शेष दिनों में तेजी से कमी देखी गई। कहानी में एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है जब प्रतीत होता है कि हृदयहीन महिला सबसे कुशल शिकारी के रूप में उभरती है जो अकेले ही एक अभियान में लगभग 10 लोनार का दावा करती है। होटल के नियमों की विचित्रताओं को जोड़ते हुए ये पता चला है कि नौकरानी के पास रात में पुरुषों को एक साथी की तलाश में तेजी लाने के लिए उत्तेजित करने का असामान्य काम है। इस कठोर संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाती है जिसका एक उदाहरण तब देखा जाता है जब आत्म आनंद में संलग्न पाए जाने पर रॉबर्ट के हाथ को टोस्टर की तीखी गर्मी के अधीन किया जाता है। बाद के शिकार के दौरान डेविड खुद को बटर बिस्कुट की शौकीन एक महिला के साथ पाता है। बातचीत के उसके प्रयासों और यहां तक कि यौन संबंधों की पेशकश के बावजूद डेविड उदासीन बना हुआ है। महिला एक भयानक भाग्य से बचने के लिए बेताब है डेविड पर विश्वास करती है और बताती है कि अगर उसका साथी मायावी रहता है तो वो अपनी खिड़की से छलांग लगाने का इरादा रखती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है लंगड़ाता हुआ आदमी जॉन तैराकी के मौसम के दौरान धोखे का सहारा लेता है और नाक से खून बहने वाली लड़की की विशेषताओं के अनुरूप नाक से खून बहने के लिए प्रेरित करता है। उनका काल्पनिक संबंध एक शाम की पार्टी में एक जोड़े के रूप में घोषणा की ओर ले जाता है जिससे उन्हें तुरंत एक डबल रूम मिल जाता है। हालांकि कहानी में एक दुखद मोड़ आता है जब बटर बिस्कुट वाली लड़की दुखी होकर अपनी खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान ले लेती है।
हृदयहीन महिला, कष्टदायक तमाशे की एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक, इस कृत्य से भावनात्मक रूप से अप्रभावित रहती है। समय समाप्त होने के साथ डेविड तात्कालिकता महसूस करते हुए अपना दृष्टिकोण बदलता है। वह एक नई रणनीति अपनाता है, मानव जीवन के प्रति उदासीनता का नाटक करते हुए उसकी स्पष्ट संवेदनहीनता की नकल करते हुए हृदयहीन महिला के पास जाता है, एक ऐसे साथी की तलाश में जो उसकी भावनात्मक अलगाव को प्रतिबिंबित करता है। महिला खुद को डेविड की ओर आकर्षित पाती है, उसके भावहीन व्यवहार से मोहित हो जाती है। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताते हैं, डेविड कुशलतापूर्वक अपने मुखौटे को बरकरार रखता है, जिससे ये भ्रम पैदा होता है कि वह उसकी भावनात्मक अलगाव में साझा करता है। एक महत्वपूर्ण क्षण तब सामने आता है जब युगल खुद को एक हॉट टब में पाता है और महिला डेविड की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए अपनी मौत का नाटक करते हुए एक रुगण परिदृश्य रचती है। उसके आश्चर्य के लिए वह शांत बना हुआ है, उसके नाटकीय अभिनय के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। ये रहस्य उद्घाटन महिला को चकित कर देता है, उसे विश्वास दिलाता है कि डेविड वास्तव में उसकी भावनात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, जिससे वे अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके संबंध को स्वीकार करते हुए होटल जोड़े को रोमांटिक जोड़ों के लिए आरक्षित विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें एक डबल रूम साझा करने और जोड़ों के लिए विशेष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति मिलती है। हालांकि उनके संपूर्ण मिलन की झलक तब टूटने लगती है जब क्रूर लड़की डेविड को अंतरंग क्षणों के दौरान भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए देखती है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में वह अपने भावनात्मक लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए एक कठोर उपाय का सहारा लेती है, अपने भाई रूपांतरित कुत्ते को बेरहमी से लात मारकर मौत के घाट उतार देती है। प्रारंभ में डेविड ने जोर देकर कहा कि इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में जब उसे बाथरूम में सिसकते हुए पाया गया तो सच्चाई सामने आ गई, जिससे उनके अलग दिखने वाले रिश्ते की सतह के नीचे की भावनात्मक जटिलता उजागर हो गई। पीड़ित महिला का सामना करने और अपने धोखे के आसन पर्दाफाश को महसूस करते हुए डेविड निर्णायक कार्रवाई करता है। ट्रैंक्विलाइजर गन का उपयोग करके वो पर्यवेक्षक नौकरानी से मौन स्वीकृति प्राप्त करते हुए महिला को अक्षम कर देता है। अपने भाई के दुखद भाग्य के बाद बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर डेविड विभिन्न प्रतिशोधात्मक उपायों पर विचार करता है। हालांकि वह अंततः एक परिवर्तनकारी समाधान चुनता है, महिला को एक जानवर में बदलने का विकल्प चुनता है। घटनाओं के एक तनावपूर्ण अनुक्रम में डेविड नौकरानी और बेहोश महिला के साथ परिवर्तन कक्ष में अपना रास्ता बनाता है, जहां अपरिवर्तनीय प्रक्रिया सामने आती है। प्रतिशोध और आत्मसंरक्षण के शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर डेविड होटल की कैद से भागने में सफल हो जाता है। आसपास के जंगलों में उसकी मुलाकात अकेले लोगों के एक समूह और उनके रहस्यमय नेता से होती है। जब ऐसा प्रतीत होता है कि डेविड ने एक दयालु नेता के मार्गदर्शन में अकेले लोगों के भीतर अभयारण्य की खोज की है, तो कठोर सच्चाई सामने आती है। नेता अपनी सख्ती में होटल मैनेजर की याद दिलाती है, अकेले लोगों के बीच रोमांटिक या यौन संबंधों के खिलाफ कड़े नियम लागू करती है। वह इन नियमों को क्रूर परिणामों के साथ लागू करती है, यहाँ तक कि उन दो व्यक्तियों को विकृत कर देती है जिन्होंने छेड़खानी में शामिल होने का साहस किया था। जैसे ही कुंवारे लोग अपने नियमों को स्पष्ट करते हैं और डेविड का अपने साथ स्वागत करते हैं, वह काले बालों और अदूरदर्शिता वाली एक लड़की का ध्यान आकर्षित करता है, जो उसकी स्थिति का प्रतिबिंब है। उनके बीच तात्कालिक आकर्षण के बावजूद एकाकी संहिता के प्रतिबंध ये कहते हैं कि उनकी बातचीत एक आदर्श मित्रता तक ही सीमित रहती है। एक तनावपूर्ण क्षण में जब होटल के मेहमान शिकार के लिए एकत्र हुए, रॉबर्ट एक अकेला साथी डेविड को पकड़ने का प्रयास करता है। आसन परिणामों का सामना करते हुए और केवल दो दिन बचे होने पर डेविड ने रॉबर्ट के साथ साझा की गई दोस्ती के बंधन पर जोर देते हुए दया की गुहार लगाई। हालांकि काले बालों वाली लड़की के समय पर हस्तक्षेप से डेविड बच जाता है, क्योंकि वो रॉबर्ट पर पीछे से हमला करती है, जिससे उसे पकड़ने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही होटल की नौकरानी और अकेले नेता के बीच एक गुप्त गठबंधन सामने आता है। शिकार के दौरान उनकी गुप्त बैठकें होटल के संचालन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक गुप्त माध्यम बन जाती हैं। अपनी वैवाहिक स्थिति से निराश होकर नौकरानी अतिथि बनने के भाग्य से बचते हुए होटल में ही रहने का विकल्प चुनती है। सहयोगात्मक रूप से अकेले नेता के साथ वे नियंत्रण हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखते हुए होटल को उखाड़ फेंकने की साजिश रचते हैं। साजिश तब और बढ़ जाती है जब महीने में एक बार अकेले लोग आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिश्ते का अनुकरण करते हुए एक छिपे हुए जोड़े को शहर में भेजते हैं। जैसे ही अकेले लोग शहर में अपने मासिक भ्रमण की तैयारी करते हैं, नेता और उसका साथी डेविड और काले बालों वाली लड़की को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं।
मॉल में रहते हुए डेविड एक पुलिस अधिकारी का ध्यान आकर्षित करता है जो उससे उसके साथी के बारे में सवाल करता है और विवाह प्रमाण पत्र की मांग करता है। काले बालों वाली लड़की तुरंत अपने पैरों पर खड़ी होकर हस्तक्षेप करती है और डेविड को अधिकारी की निगरानी से बचाती है। बाद के दिनों में अकेले लोगों ने दमनकारी होटल के खिलाफ विद्रोह करने के अपने अटूट संकल्प से प्रेरित होकर अपनी योजना को क्रियान्वित किया। नौकरानी की विवेकपूर्ण सहायता से वे चुपचाप होटल में घुसपैठ करते हैं, नियंत्रण हासिल करते हैं और प्रबंधक और उसके पति को बंधक बना लेते हैं। एक तनाव भरा क्षण तब सामने आता है जब पति को एक खाली बंदूक सौंपी जाती है और उसे खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी को गोली मारने का निर्देश दिया जाता है। एक स्पष्ट रहस्य उद्घाटन में वो बिना किसी हिचकिचाहट के अनुपालन करता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि पूरा परिदृश्य एक सुनियोजित नाटक था जो उनके रिश्ते की शून्यता को उजागर करता है। साथ ही डेविड जॉन और नाक से खून बहने वाली लड़की को सच्चाई सौंपता है जिससे उसके करीब आने के लिए उसकी नाक से खून बहने की साजिश की मनगढ़ंत प्रकृति का खुलासा होता है। इस रहस्योद्घाटन के बाद अकेले लोग जंगल के अभयारण्य में वापस जाने से पहले अपने संदेश पर जोर देते हुए अचानक होटल से बाहर निकल जाते हैं। घटनाओं में एक आश्चर्यजनक मोड़ तब सामने आता है जब नौकरानी, जो पहले होटल के साथ जुड़ी हुई थी, अकेले समूह में शामिल हो जाती है, जो निष्ठाओं में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत देती है और अप्रत्याशित विकास के लिए मंच तैयार करती है। आने वाले दिनों में काले बालों वाली लड़की और डेविड के बीच संबंध गहरा हो गया, जो वास्तविक स्नेह में बदल गया। वे एक अकेले समूह से बचकर एक साथ रहने के बारे में विचार करते हैं और अपनी योजनाओं को एक जर्नल में दर्ज करते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी योजना को क्रियान्वित कर पाते, उनका रहस्य उजागर हो जाता है। नेता पत्रिका के माध्यम से अपने संबंध का पता चलने पर विश्वासघात से क्रोधित हो जाता है, लेकिन सीधे उनका सामना नहीं करने का विकल्प चुनता है। भाग्य के एक मोड़ में अकेले लोगों का नेता काले बालों वाली लड़की को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव देता है और शहर में उसकी अदूरदर्शिता को दूर करने का दावा करता है। हालांकि वादा एक क्रूर धोखे में बदल जाता है, क्योंकि जंगल में लौटने पर नेता बेरहमी से लड़की को अंधा कर देता है। इस विश्वासघात से सदमे में काले बालों वाली लड़की नेता से बदला लेने की इच्छा से ग्रस्त हो जाती है। प्रतिशोध की उसकी तलाश में एक दुखद गलती हो जाती है जिससे टकराव के दौरान होटल की नौकरानी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। प्रतिशोध के बजाय करुणा को चुनते हुए नेता अप्रत्याशित रूप से काले बालों वाली लड़की पर दया दिखाता है, जिससे उसे डेविड के साथ आराम और सांत्वना पाने का मौका मिलता है। अब जब उनके पास कोई साझा गुण नहीं है, तो उनके संबंध के संभावित नुकसान के डर से काले बालों वाली लड़की शुरू में अपना अंधापन छिपाती है। हालांकि जैसे ही उसके रहस्य का बोझ सहना मुश्किल हो जाता है, वो अंततः डेविड पर विश्वास करती है और उसके जाने की संभावना की तैयारी करती है। प्रतिबद्धता के एक मार्मिक प्रदर्शन में डेविड उसके साथ रहना पसंद करता है, अटूट समर्थन की पेशकश करता है और उसे स्पर्श और गंध का उपयोग करके दुनिया को नेविगेट करने में मदद करता है। यह मार्मिक क्षण प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके बंधन के लचीलेपन को रेखांकित करता है। जैसे ही वे नई साझा विशेषताओं की खोज करने का प्रयास करते हैं, उनके प्रयास निरर्थक साबित होते हैं। अपने संबंध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होने पर डेविड ने एक कठोर योजना का प्रस्ताव रखा, नेता को मारने और जंगल से भागने की। दोनों अपनी योजना को अंजाम देते हैं, जिसमें डेविड नेता का अपहरण कर लेता है और उसे एक खुली कब्र में फेंक देता है जहां जंगली कुत्ते उसके शरीर को खा जाते हैं। भागने के लिए तैयार होकर डेविड और अंधी काले बालों वाली लड़की एक भोजनालय में राहत पाने के लिए शहर में भाग गए। एक मनोरंजक और अनिश्चित चरमोत्कर्ष में डेविड अपने साथी के साथ साझा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खुद को अंधा करने का एक चौंकाने वाला निर्णय लेता है। फिल्म का अंत डेविड द्वारा अपनी आंखों की ओर चाकू घुमाने से होता है, जिससे पात्रों के भाग्य को लेकर रहस्य और गहरा हो जाता है। ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है कि डेविड ने खुद को अंधा कर लिया है या नहीं, जिससे दर्शकों को अजीबोगरीब नियमों द्वारा शासित दुनिया में उनकी अपरंपरागत यात्रा के नतीजे पर विचार करना पड़ेगा।